चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 2 पर हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में आपसे बातचीत किया हुआ था कि किस प्रकार विकास के क्रम में पर्यावरण आगे की ओर बढ़ा, जहां आपने जाना था आखेटक काल, फिर आपने जाना था उसके बाद पशुपालन काल, कृषि काल और प्रौद्योगिकी काल, अर्थात प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक पर्यावरण की जो कुछ भी हमारी कालक्रम में आगे की ओर विकास के क्रम में बढ़ी है अवस्थाएं, उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम पर्यावरण, अब विकास को हमने कोरिलेट किया, अब पर्यावरण क्या है इसकी एक समझ बनाते हुए फिर हम आगे की ओर सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे पर्यावरण को लेकर के। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के क्रम पर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पर्यावरण का अर्थ। और अगर हम पर्यावरण के अर्थ की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा इसका अर्थ 2 परिप्रेक्ष्य में। एक जानना पड़ेगा आपको इसका हिंदी परिप्रेक्ष्य और एक जानना पड़ेगा आपको इसका कौन सा अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य। एक आपको जानना पड़ेगा हिंदी परिप्रेक्ष्य और एक जानना पड़ेगा अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले अगर हम हिंदी परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि पर्यावरण 2 शब्दों से, मतलब हिंदी में पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है हमारा परि और एक शब्द हमारा है क्या, आवरण। एक शब्द है परि और एक शब्द है आवरण। परि का अर्थ होता है क्या करना, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरना या घेरा। आवरण का अर्थ होता है घेरना या घेरा। एक बात हमेशा के लिए आप ध्यान देंगे कि पर्यावरण में कहीं पर किसी भी पॉइंट्स की परिभाषा बनानी हो तो आप मनुष्य शब्द का प्रयोग न करके आप प्रयोग करेंगे जीव शब्द का। तो कुछ भी नहीं करना है, एक शब्द यहाँ पर लिखिए जीव। अब देखिए हिंदी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण की परिभाषा निर्मित हो गई क्या, कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वही उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण। देखिएगा कि पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य में 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है हमारा परि और एक है हमारा क्या, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा या घेरना। हमने परिभाषा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। आगे जब हम अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य की ओर आते हैं तो अंग्रेजी में पर्यावरण को कहते हैं एनवायरमेंट, environment। अंग्रेजी में पर्यावरण को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो अंग्रेजी का एनवायरमेंट है ये मूल अंग्रेजी का शब्द नहीं है, बल्कि यह बना हुआ है हमारा किस भाषा से, तो ये बना हुआ है हमारे फ्रेंच भाषा से। अब अगर हम फ्रेंच भाषा की बात करें तो तुरंत दिमाग में यही आता है कि फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा एनवायरोनेर, environer, environer फ्रेंच भाषा का वह शब्द है environer, जिससे बना है हमारा अंग्रेजी का क्या, environment। और environer का अर्थ होता है क्या, पास और पड़ोस होता है। environer का अर्थ होता है पास पड़ोस। तो अब कुछ भी नहीं करना है, उसे जीव शब्द के माध्यम से आप इसकी भी परिभाषा निर्मित कर दीजिएगा कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण या वह उसका एनवायरमेंट कहलाती है। तो बड़े सरल शब्दों में हमने अंग्रेजी में जाना कि अंग्रेजी में पर्यावरण को हम एनवायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी का एनवायरमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से मिलकर के बना हुआ है और यह एनवायरोनेर का अर्थ होता है पास पड़ोस। तो जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती वो उसका एनवायरमेंट या उसका पर्यावरण कहलाती है। तो ये बातें हमने जाना किसके परिप्रेक्ष्य में, ये हमारा एक शाब्दिक अर्थ है क्या, किसका, पर्यावरण का। अब एक प्रश्न हम यहाँ से देख लेते हैं, एक समझ बनाइएगा कि अगर हम जैसे प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न में हमने लिखा है environer,
से तात्पर्य है, इन्वायरोनिर से तात्पर्य है। अब डैश दीजिएगा और ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सजीव और निर्जीव। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जैविक, और कह रहा है अजैविक से तात्पर्य है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पास पड़ोस से, पास और पड़ोस। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ जाना है इन्वायरोनिर का अर्थ क्या होता है पास पड़ोस, तो आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं पास पड़ोस। लेकिन आप देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बारीकियां कहाँ रखनी है, इन्वायरोनिर से तात्पर्य है न कि अर्थ पूछा है। अब इन्वायरोनिर का अर्थ पास पड़ोस होता है लेकिन वो मतलब पूछा है, तो क्या पास पड़ोस में जैविक का जैविक घटक होते हैं या नहीं होते, होते हैं। क्या पास पड़ोस में सजीव निर्जीव होते हैं या नहीं होते, हाँ होते हैं। अतः आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। इज अ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्रम पर आप ध्यान देंगे कि आप अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछ क्या रहा है, वो जानना क्या चाहता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जब इसे आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तब जा करके आप यहाँ पे सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उत्तर हमारे सामने होता है, हम कभी कभी जल्दबाजी में हम इसको गलत कर देते हैं। चलिए दोस्त, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे आपसे बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के घटक से लेकर के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर एक प्रश्न बनता आया हुआ है। तो हम अगर घटक की बात करते हैं, तो यहाँ पे पर्यावरण के घटक, अब जब हम पर्यावरण के घटक की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यही होगा कि पर्यावरण के कुल कितने घटक होते हैं, तो आप यही कहेंगे पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए आप जल्दबाजी में बताते हैं जैविक और अजैविक होता है, जो गलत हो जाता है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक और एक हमारा होता है कौन सा घटक, मानव निर्मित घटक। एक होता है हमारा प्राकृतिक घटक और एक होता है हमारा कौन सा घटक, मानव निर्मित घटक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो हमारा प्राकृतिक घटक दो होता है, एक हमारा होता है कौन सा, जैविक घटक, और एक हमारा कौन सा होता है, अजैविक घटक। एक होता है हमारा जैविक घटक और एक होता है हमारा कौन सा, अजैविक घटक। अब चलिए इन्हीं में यहीं से जैविक अजैविक और मानव निर्मित, यहीं पर आपको ध्यान देना और बिल्कुल आसान है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम जैविक घटक की बात करेंगे तो सिर्फ एक बात आप केवल अपने माइंड में बैठाइएगा, वो होगा क्या, सजीव। कोई भी पूरे पर्यावरण का कोई भी तत्व अगर वह सजीव है और उसमें पाया जाता है क्या, जीवन, तो वो निश्चित तौर पर हमारा कैसा घटक होगा, जैविक। वो किसने बनाया, क्या बनाया, क्या सही क्या गलत, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, सिर्फ इतना कि अगर वह सजीव है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, जैविक होगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप ध्यान देंगे, आप एक देख सकते हैं वनस्पति जगत को, वनस्पति जगत के अंतर्गत पेड़ पौधे हमारे आते हैं, इसके अंतर्गत जंतु जगत आता है, जंतु जगत के अंतर्गत आप सभी प्रकार के जैसे मनुष्य हो गए, पशुएं हो गए, आप यहाँ पे पक्षियों इत्यादि को देख सकते हैं। ये संपूर्ण, बस देखिए इसके उदाहरण अनेक हो सकते हैं, असंख्य उदाहरण आपके सामने आएंगे, सिर्फ एक बात आपको ध्यान देना है, वो शब्द है सजीव। अगर सजीव है तो वो हमारे पर्यावरण का कैसा घटक होगा, तो वो हमारे पर्यावरण का जैविक घटक होगा, बस इतनी बात ध्यान दीजिएगा, क्लियर है।
आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक के तौर पर एक शब्द ध्यान दीजिएगा, वह शब्द होगा निर्जीव। और ठीक इसी प्रकार से हम मानव निर्मित की बात करते हैं तो मानव निर्मित के लिए भी एक शब्द ध्यान देंगे और वह शब्द होगा कौन सा, निर्जीव। अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहाँ पर भी सिंबल में निर्जीव लिख दिया, यहाँ पर भी सिंबल में निर्जीव लिख दिया, तो आप कंफ्यूज होंगे कि किस में निर्जीव आएगा तो माना जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अजैविक की बात करते हैं तो अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसको किसने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, तो वह हमारा कौन सा घटक कहलाएगा, अजैविक कहलाएगा। बस सीधा सा एक मतलब कि हमारे निर्जीव तत्वों का ऐसा संसार जिसको प्रकृति ने बनाया हो वो हमारे पर्यावरण का कौन सा घटक कहलाएगा, अजैविक। जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे कह सकते हैं जल को, आप कह सकते हैं वायु को, आप कह सकते हैं मृदा को, आप कह सकते हैं पर्वत को, आप कह सकते हैं पठार को, इस तरीके से सारे हमारे उदाहरण आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान देना है कि वह निर्जीव होना चाहिए और वह निर्जीव को किसने बनाया हो तो वह प्रकृति प्रदत्त हो या प्रकृति द्वारा निर्मित निर्जीव होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं मानव निर्मित घटक की। तो ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से होता है जिसका निर्माण किसने किया हो, तो आप तुरंत कह देंगे मानव। नहीं, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जीव शब्द का प्रयोग, क्योंकि अगर आप मानव का प्रयोग करेंगे, हम आपसे अगर एक प्रश्न करें कि पक्षी के द्वारा बनाया गया घोंसला किसका उदाहरण होगा, तो आप शायद यही कहेंगे कि वो तो मानव निर्मित है लेकिन मानव ने तो बनाया नहीं, तो जीव शब्द का प्रयोग करेंगे तो पक्षी भी आ जाएंगे और वो घोंसला आपका मानव निर्मित घटक का उदाहरण हो जाएगा। तो मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण जीव ने किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि सजीव और प्राकृतिक निर्जीव है छोड़ दीजिए, तो सब कुछ हमारे मानव निर्मित घटक के उदाहरण है। जैसे ये मेरे शरीर पर कपड़ा है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, हमने चश्मा लगाया है, हमारे पास मोबाइल है, हम जो कुछ आप इसको समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो पंखा हो गया, ये ब्लैकबोर्ड हो गया, ये ट्यूबलाइट जो जल रहे हैं, सब के सब हमारे उदाहरण है किसके, मानव निर्मित के। लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर पर भी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें धर्म, तो धर्म क्या है, धर्म को मानव ने बनाया है, ये हमारा मानव निर्मित घटक में आता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति किसका उदाहरण होगी, तो संस्कृति भी उदाहरण है हमारा किसका, मानव निर्मित का। तो इस प्रकार ये हमारे मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण का शाब्दिक अर्थों में उसकी परिभाषा कैसे निर्मित होती है और इसके साथ ही साथ पर्यावरण के घटकों पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।